हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बस कुछ ही दिन का इंतजार करिए, पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, क्या कहीं लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला है सबसे बड़ा खेला पीओके को लेकर। क्या मोदी सरकार लेने वाली है बड़ा एक्शन, बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार के इस केंद्रीय मंत्री का अब तक का सबसे बड़ा बयान पीओके पर। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां चीन को फिर से घर में घुसकर मारने की बड़ी तैयारी, सेना को सुपर पावर बनाएगा यह देश। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन को याद आएगा 1937, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। साथ ही साथ भारत आए सऊदी प्रिंस ने वो कह दिया जिसका पाकिस्तान को वाकई में डर था, बताएंगे क्या कहा। सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि 2014 के बाद से वाकई में अपने देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत और एडवांस हुआ है, तो उस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री का सबसे बड़ा बयान, कहा बस कुछ दिन का इंतजार करिए, पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि कुछ समय बाद स्वतः यानी अपने आप ही पाकिस्तान वाले कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। बीके सिंह सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के तहत दौसा में मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान जब उनसे पीओके के शिया मुसलमानों की भारत के लिए सड़कें खोलने की मांग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ समय इंतजार करें, पीओके का अपने आप भारत में विलय हो जाएगा। जी हां, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की भव्यता ने भारत को विश्व मंच पर अनूठी पहचान दिलाई है और भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। बीके सिंह ने कहा कि G20 की बैठक ना भूतों ना भविष्य थी रूप में हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपना लोहा मनवा दिया। G20 समूह में विश्व के सभी शक्तिशाली देश शामिल हैं, सभी देशों ने भारत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से पीओके को भारत में मिलाने की मांग की जा रही है, वो भी पीओके की जनता के द्वारा, दोस्तों कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोहा गर्म है और मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस पर हथौड़ा जरूर चलाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा और वाकई में भारत वाले कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है दोस्तों, वो वास्तव में भारत के साथ फिर से मिल जाएगा, तो मोदी है तो मुमकिन है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां चीन को फिर से घर में घुसकर मारने की बड़ी तैयारी, सेना को सुपर पावर बनाएगा जापान, ड्रैगन को याद आएगा 1937। बता दे, जापान ने पहली बार चीन के ऊपर 1895 में आक्रमण किया था और उसके बड़े हिस्से में तबाही मचा दी थी, और जापान ने साल 1937 में दूसरी बार चीन पर हमला किया था, और उस वक्त जापान ने चीन को घर में घुसकर इतनी बेरहमी से पीटा था, उसे आज तक चीन भुला नहीं है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपने हथियार रख दिए और शांति के रास्ते पर चल निकला, लेकिन एक बार फिर से चीन ने जापान को परेशान करना शुरू कर दिया और जापान को फिर से हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। लगातार परेशान किए जाने के बाद जापान ने फिर से अपने हथियार उठा लिए हैं और जापान जंग की तैयारी में जुट गया है। जी हां, जापान सरकार के अधिकारियों ने अपनी सेना को एडवांस बनाने के लिए देश के 4 स्टार्टअप के अधिकारियों के साथ 6 सितंबर को राजधानी टोक्यो में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मिलिट्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी को शामिल करने, ड्रोन और रोबोट पर काम करने वाली नई कंपनियों की मदद करने के तरीकों पर चर्चा की है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में फिर से चीन को घर में घुसकर मारने की बड़ी तैयारी में है जापान। अगली खबर की बात करें, जहां भारत आए सऊदी प्रिंस ने वो कह दिया जिसका पाकिस्तान को था डर। जी हां, भारत की मेहमानबाजी में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वो कह दिया जिसे पाकिस्तान को कभी उम्मीद नहीं रही होगी। जी हां, सऊदी प्रिंस ने कहा है कि मुल्कों को अपने यहां आतंकवाद को पनाह देने से बाज आना होगा, उन्हें ऐसे तमाम संगठनों को खत्म करना होगा, इसके अलावा गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी, कड़ी से कड़ी सजा देनी ही होगी। पाकिस्तान पर बहुत पहले से आतंकवादियों को शरण देने के आरोप लगते रहे हैं, पर वो हमेशा भारत पर बदनाम करने का आरोप लगाकर बचता रहा है। ओसामा बिन लादेन से लेकर मुंबई हमले के गुनहगारों तक को पाकिस्तान में शरण देने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब जब खुद सऊदी अरब ने ये बातें कह दी हैं, जिसके पैसे के बल पर पाकिस्तान अपने यहाँ कई दशकों से जिहाद फैक्ट्री चला रहा था, तो अब पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। दूसरा, जब इजराइल जैसा देश खुद अरब देशों के साथ मिलकर यूरोप से अरब होते हुए भारत तक कॉरिडोर बनाएगा, तो पाकिस्तान किस मुंह से दुनिया में इस्लाम खतरे में है का नारा लगा पाएगा। शिया मुल्क ईरान में इस्लामिक क्रांति होने के बाद सऊदी अरब ने सुन्नी बहुल पाकिस्तान में अपना रसूख बढ़ाना शुरू किया, इसके लिए 80 के दशक में वहां के मदरसों और मौलवियों को जमकर फंडिंग शुरू हुई। 1971 में भारत से हार के बाद पाकिस्तान ने
डिफेंस फंडिंग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक जिहाद फैक्ट्री खोलने में किया। अब ऐसे में दोस्तों कभी भी पाकिस्तान ने ये उम्मीद भी नहीं लगाई होगी कि सऊदी अरबिया ऐसा कुछ कहेगा आतंकवाद को लेकर, लेकिन दोस्तों सऊदी अरब के प्रिंस के इस आतंकवादी वाले बयान का सीधा टारगेट पाकिस्तान ही नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा देश है आतंकवादियों को पालने में सबसे बड़ा है दोस्तों, जो आतंकवादियों की फैक्ट्री चला रहा है। बहरहाल इस बयान को सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप जरूर मचा होगा और उसकी जमीन पैरों तले खिसक गई होगी। क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर, और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर हम आ रहे हैं कनाडा में बैठे खालिस्तानियों की पीएम मोदी और अमित शाह जी को बड़ी धमकी। ट्रूडो से उठाया था यह मुद्दा। आपको बता दे पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में शामिल होने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तान का मसला उठाया था। इस पर ट्रूडो ने भी भरोसा दिया था कि वो अपने देश में अलगाववादी तत्वों पर लगाम कसेंगे। हालांकि कनाडा में एक्टिव खालिस्तानियों की हरकतें अब भी कम नहीं हुई है। 10 सितंबर को ही खालिस्तान के वैंकूवर के सरे स्थित एक गुरुद्वारे में भारत के खिलाफ जनमत संग्रह हुआ था। इसके बाद अब खालिस्तानी संगठन 6 for Justice के सरगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें उसने भारत को कनाडा में अपना दूतावास बंद करने की धमकी दी है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर जी को जान से मारने तक की धमकी दे डाली है। जी हां, खालिस्तानी का यह दुस्साहस दिखाता है कि उन पर भारत की कनाडा के साथ सख्ती का कोई असर नहीं है। पन्नू को एक वीडियो में कहते सुना जा रहा है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मरवा डाला। मोदी, जयशंकर, डोभाल और शाह, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी उग्रवादी थी जो इसी साल जून में कनाडा के सरे में ही शूटिंग के दौरान मारा गया था। उसकी मौत को लेकर खालिस्तानी आरोप लगाते रहे कि यह भारत सरकार के इशारे पर हुआ था। कनाडा के गुरुद्वारे में जन्म संग्रह के नाम पर हुए आयोजन में 5,000 से 7,000 लोग मौजूद थे। बहरहाल दोस्तों अब पीएम मोदी जी को, अमित शाह जी को और भी केंद्र के मंत्रियों को जान से मारने की धमकी दी गई है खालिस्तानियों के द्वारा। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और क्या लगता है आपको, क्या कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे दोस्तों, या फिर वो भी वोट बैंक समझकर इनको कुछ भी नहीं कहेंगे। जो भी लगता हो दोस्तों अपनी राय अवश्य रखिएगा, देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है कनाडा में बैठे इन खालिस्तानियों पर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत पाकिस्तान के जेट्स का फिर होगा आमना सामना। इस बार MiG-29 की JF-17 से होगी भिड़ंत। जी हां दोस्तों, आखिर कहां और कब आपको तो बता दें, भारत और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच आखिरी बार फरवरी 2019 में हवा में डॉग फाइट बालाकोट एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद देखने को मिली थी। दोस्तों एक बार फिर दोनों देशों के फाइटर जेट हवा में एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन इस बार मुकाबला भारतीय वायुसेना के MiG-29 और पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 के बीच होगा। अंतर केवल इतना है कि इस बार यह जंग खूनी खेल में नहीं बदलेगी। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों की वायुसेना इस वक्त मिस्र में आयोजित मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का हिस्सा है। इससे पहले साल 2019 में IAF के MiG-21 बाइसन और PAF के F-16 के बीच हुई डॉग फाइट के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह मात दी थी। हालांकि इस दौरान वायुसेना के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। बाद में पड़ोसी देश को उन्हें मुक्त करने पर मजबूर होना पड़ा था। मिस्र में जारी ट्राई सर्विस मल्टीनेशनल अभ्यास 31 अगस्त को शुरू हुआ था, जो कि 14 सितंबर तक चलेगा। भारत पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के IL-78 टैंकर के जरिए मिस्र के MiG-29 और रफाल में ही हवा में ही ईंधन भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इंडियन आर्मी को यानी इंडियन एयरफोर्स को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा इस बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस में भी पाकिस्तान को धूल चटा सके अपनी भारतीय वायुसेना। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां G20 में नहीं आए शी जिनपिंग, अब भारत ने चीन को दे दिया तगड़ा झटका। जी हां, भारत ने 9 से 10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। अब भारत ने चीन को झटका देते हुए उससे आयातित स्टील पर अगले 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार को एक सरकारी अधिसूचना जारी कर भारत के ने इसकी जानकारी दी है। अधिसूचना के मुताबिक भारत ने चीन से आयातित फ्लैट बेस स्टील व्हील पर प्रति टन $613 का एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत ने साल 2018 में ही लगाई थी। 5 सालों बाद अब सरकार ने फैसला किया है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 सालों के लिए भी जारी रहेगी। बहरहाल चीन जिस प्रकार से G20 में नहीं आया दोस्तों, अब ऐसे में भारत का ये फैसला कहीं ना कहीं चीन को मजा जरूर चखा देगा। अब ऐसे में ये तो भी सारी बड़ी खबर, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत